नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं सूजी की खीर। Hi, my name is Ritik Ghanshyani. I'm an actor and you are watching Sneha Ki Rasoi. चलिए सूजी की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे एक पैन में थोड़ा सा घी, एक टीस्पून के करीब, और उसमें डाल देंगे हम ये इलायची, छोटी इलायची हरी वाली, 3 से 4 दाने। घी अब मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे, इलायची की खुशबू भी आने लगी है, 1 कलछी सूजी, आप 1 टेबलस्पून भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून घी, 4-5 इलायची के दाने और 1 टेबलस्पून के करीब सूजी। अब इसको हम थोड़ा सा भूंज लेंगे जब तक कि सूजी की खुशबू नहीं आने लगती। अब इसकी खुशबू आने लगी है, इसमें हम डाल देंगे थोड़े से काजू, ये थोड़ा इसको रिच लुक कर देंगे। वैसे ये सूजी की खीर नॉर्मली हम छोटे बच्चे के लिए बनाते हैं या घर में कोई बीमार है उस व्यक्ति के लिए, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है और उनका पेट वगैरह ठीक रहता है। काजू भूंज गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे दूध, अब हम इसमें अच्छे से मिलाने के बाद डाल देंगे शक्कर। आप चाहे तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का, जो चाहे आप डाल सकते हैं। मैं 2 कलछी के करीब चीनी डाल दूंगी इसमें। अब इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। देखिए ये काफी थिक हो गई है और सूजी अच्छे से फूल गई है और सर्व करने के लिए तैयार है। सूजी की खीर बनाते समय मेरे 3-4 बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक तो जिस भगोने में आप बना रहे हैं उसका जो पेंदा है वो मोटा हो, ताकि आपकी खीर उसमें चिपके ना, और इसको कंटिन्यूस आपको चलाते रहना है, नहीं तो सूजी नीचे चिपक जाएगी और जलने का चांस रहता है, तो आपकी खीर बिगड़ जाएगी। देखिए कितना अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है गाढ़ी, तो एकदम खाने के लिए तैयार है। आप इसे छोटे बच्चे को, जो हम छोटा बच्चा 6 महीने का रहता है और प्रथम आहार हम उसका चालू करते हैं सेमी सॉलिड, तो उसमें भी आप सूजी की खीर दे सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आप उसमें से काजू मत डालिए, डालिए भी तो पीस के डालिए, और इलायची जो है उसको भी पाउडर फॉर्म में डालिए। और नॉर्मल आप जब बनाते हैं घर में तो आप इस तरह बना सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट रहती है और पौष्टिक तो है ही सूजी की खीर। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, आशा है पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। आप भी बनाइए, खाइए और बताइए आपकी कैसी बनी और आपको कैसी लगी। इस स्वादिष्ट रेसिपी और ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपी को देखने के लिए आप देखते रहिए स्नेहा की रसोई। धन्यवाद।